भारत के पहले मंगल अभियान के लिए अब मात्र कुछ ही घंटों का समय बचा है। प्रक्षेपण की उल्टी गिनती तेजी से जारी है। आज दोपहर 2:38 पर इसरो का प्रक्षेपण वाहन पीएसएलवी C-25 भारत के पहले अंतर्ग्रह उपग्रह मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत आज मिजोरम के दौरे पर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ चुनावी तैयारियों के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि विभिन्न ताकतें हमारे समाज के बहुलतावादी विचारधारा को चुनौती दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के निर्माणकर्ताओं के द्वारा प्रसारित मूल्यों के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह पर नौकरानी को पीट पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। दिल्ली के साउथ एवेन्यू इलाके के MP फ्लैट में काम करने वाली महिला की सोमवार को मौत हो गई थी। पुलिस आरोपी जागृति सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची के हिंद पीढ़ी के इरमा लॉज में सोमवार देर शाम NIA और झारखंड पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 9 जिंदा बम बरामद किए। कमरे से भारी मात्रा में जिलेटिन और डेटोनेटर भी बरामद किए गए। आज भाई दूज है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले त्योहार को यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज में हर बहन रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज से 6 माह के लिए बंद हो गए हैं। इसके साथ ही केदारनाथ की यात्रा शीतकाल तक के लिए रुक जाएगी। प्राचीन परंपरा अनुसार भैया दूज के दिन विधि विधान पूर्वक पूजा के साथ ही शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शेयर बाजार में देखी गई गिरावट। सेंसेक्स आज के शुरुआती कारोबार में 105 अंक की गिरावट के साथ 21,134 अंक पर आ गया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30 अंक कमजोर होकर 6,287 अंक पर खुला। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 12 पैसे कमजोर होकर 61.86 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे कमजोर होकर 61.74 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। संगीत की दुनिया की विलक्षण प्रतिभा भूपेन हजारिका की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 2009 में 5 नवंबर के दिन उनका निधन हो गया था। संगीत की समृद्ध विरासत उनकी मौजूदगी का सदियों तक एहसास कराती रहेगी।